स्वच्छता और पानी और कैंपेन एम्बेसडर अक्षय कुमार इज विद अस बट समबडी हैज मेड द एफर्ट टू चेंज देयर ट्रैवल प्लान्स एंड कम डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट दैट वी आर पुटिंग हियर एट नेटवर्क 18 द MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह द मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेज ऑल्सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह नमस्कार जी क्या हाल है आपका सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका स्वागत है स्वच्छता और पानी की ये मुहिम है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं एक बात हमने कही है कि मिलकर लें ये जिम्मेदारी तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने विभाग के साथ इस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं क्योंकि आपने एक बहुत यूनिक मुहिम छेड़ी थी सागर और हमारी बीचेस को लेकर तो वहीं से शुरुआत करते हैं हाँ वो स्वच्छ सागर को लेकर के शुरू की थी मुझे लगता है आपकी बात से ही बात जोड़ते हुए कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो जन अभियान ना बने और सौभाग्यवश एक अच्छा संयोग यह है कि प्रधानमंत्री जिस बात का आह्वान करते हैं वो स्वयं जन अभियान बन जाता है अक्सर ऐसा हुआ नहीं करता था सरकार की ओर से कोई अभियान छेड़ा जाता तो जनता उसको अपनाने में समय लेती है लेकिन यह है कि उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था लाल किले से और देखते ही ये जन अभियान बन गया और मुझे लगता है उसी से प्रेरित होकर के इसके दूसरे भिन्न भिन्न पहलुओं में विचार होने लगा नए आइडियाज आने लगे किस प्रकार इसको स्वच्छता को भिन्न भिन्न पहलुओं में अपनाया जाए और जिस अभियान का आप जिक्र कर रहे हैं स्वच्छ सागर शायद कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं आता कि इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया लगभग 7,500 किलोमीटर आई थिंक लॉन्गर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड उस दिन हमारे कोई साथी थे ऑस्ट्रेलिया से तो मैं उनसे ये कह रहा था कि डिड यू एवर रियलाइज यू कम फ्रॉम अ प्लेस विच इज नोन एज अ कंट्री विच इज नोन एज एन आइलैंड विच इज नोन एज अ कॉन्टिनेंट बट द ओशन इज नॉट नोन एज ऑस्ट्रेलियन ओशन सो आई कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर वी हैव एन ओशन कॉल्ड इंडियन ओशन शायद हमारे पूर्वजों ने ये उस समय अनुमान लगाया होगा कि इसके अंदर कितनी संपत्ति छिपी हुई है और आने वाले 25 वर्ष में जो सारा वैल्यू एडिशन होगा हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में जब हम 100 साल के हो जाएंगे 2047 में तो वो सारा का सारा यहां से आना पड़ेगा दिस इज वन एरिया विच हैज रिमेन अनएक्सप्लोर्ड तो इसकी स्वच्छता साफ रख रखाव का चिंता करना इस गोज बियॉन्ड द रियलम्स ऑफ क्लेनलीनेस जी और इसलिए हमने ये शुरू किया था तब हुआ यूं था कि कुछ सिविल सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स ने पुंडीचेरी बीच को लेकर के एक अपने अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी शुरू की और विच टर्न आउट टू बी वेरी इंप्रेसिव देखते देखते वो सारा बीच उन्होंने रीडू किया रेनोवेट किया तो फिर मेरे नोटिस में आया कि हर साल एक इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया जाता है विच इज थर्ड सैटरडे ऑफ एवरी सितंबर ठीक तो हमने सोचा कि चूंकि ये अमृतकाल के दृष्टि से 75 दिन के अभियान चल रहे थे तो क्यों ना हम भी 75 दिन का इस प्रकार का अभियान करें जन जागरण का विच विल कल्मिनेट ऑन दैट डे तो 3 जुलाई से हमने शुरू किया 16 सितंबर जो तीसरा शनिवार था सितंबर का वो इत्तेफाक से 16 सितंबर था जो मोदी जी का जन्मदिन भी है जी। लेकिन देखते ही देखते उसमें उसका परिणाम ये निकला कि हमने सोचा था कि 16 सितंबर के दिन ऑन द डे ऑफ कल्मिनेशन लगभग 15,000 टन प्लास्टिक सारे बीचेस से हम क्लियर करेंगे लेकिन 16 सितंबर के पहुंचते पहुंचते वहां प्लास्टिक ही नहीं बचा क्या बात है उसका अर्थ ये हुआ कि इतनी सारी एजेंसी जुड़ गई सरकार की एजेंसी कोस्टल गार्ड नेवी जिसे होल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं प्लस होल ऑफ नेशन और जहां जहां भी जाते रहे मैं कोवलम बीच गया मरीन बीच गया जुहू पे वहां पर विद्यार्थी छात्र भी आया करते थे वैज्ञानिक भी आते थे डॉक्टर भी आते थे समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसने उसमें स्वयं वॉलंटरली हिस्सा ना लिया हो उसका ये परिणाम निकला तो मुझे लग रहा है कि ये जन अभियान बन चुका है जी और जैसे आपकी अभी दिखाया भी जा रहा था एक फिल्म में कि इट हैज यूनिवर्सल रेमिफिकेशन एंड हमारी जिम्मेवारी इसलिए बढ़ जाती है कि हमारा स्टेक है इसमें आर ओशंस आर आर स्टेक दे आर आर फ्यूचर इकोनॉमी ब्लू इकोनॉमी डीप सी इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं डॉक्टर साहब आपके डॉक्टर साहब वाले दिन जो है उन पर ले जाना चाहता हूं मैं आपको क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर भी हैं मतलब मेडिकल डॉक्टर भी ये स्वच्छता की जब हम बात करते हैं इसका सीधा असर स्वास्थ्य से पड़ता है ना वो पब्लिक को अब सरकार में रहते हुए कैसे समझाया जाए नहीं मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी बात जब मोदी जी ने कही थी 2014 में जो पहला ही स्वतंत्रता दिवस था उनका तो उन्होंने बच्चियों के लिए शौचालयों की बात की आई नो हाउ पीपल वुड हैव टेकन इट बिकॉज अर्लियर ऑन पीपल वर यूज टू लिसनिंग हाई प्लेटिट्यूड्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर क्योंकि जो इंडिपेंडेंस डे एड्रेस होता है इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट
तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है कुछ पॉलिसी को लेकर के कुछ, तो यहाँ प्रधानमंत्री जी शौचालयों की बात कर रहे थे और वो भी बच्चियों के स्कूलों में शौचालय की। लेकिन जैसे आपने कहा दैट्स अ ह्यूज रेमिफिकेशन, वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ डिजीजेस इन यंग गर्ल्स पर्टिकुलर यूरिनरी इन्फेक्शन एक्सेट्रा इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी, और वो भी जन अभियान बन गया। बहुत सारी बच्चियां मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में, एक नौवीं कक्षा की बच्ची थी, उसने अपने परिवार वालों से कहा कि चूंकि मोदी जी ने कहा होगा तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगी जब तक यहाँ शौचालय नहीं बनाया जाए। अच्छा। तो फिर हमने कलेक्टर से जब बात की, सर्वे किया, 200 ऐसे घर निकल आए। तो इसका अब जब हम बात करते हैं कि भारत युवाओं का देश है, 70% से अधिक यहाँ 40 वर्ष से कम आयु के हैं, साथ ही हम ये कहते हैं अगले 25 वर्ष में हम शिखर पटल पर पहुंच जाएं, तो कौन सा हमारा रिसोर्स है? ये युवा रिसोर्स, ये एनर्जी, ये प्रतिभा, ये क्षमता। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग कि हम इनकी एनर्जी को प्रिजर्व करें, और एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए स्वास्थ्य को प्रिजर्व करना, और स्वास्थ्य प्रिजर्व करने के लिए स्वच्छता का होना, स्वच्छता का होना। तो ये सब छोटी छोटी बातों से देश बड़े बड़े बन जाते हैं, सब जुड़े, ये हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जी अक्षय, आप किसी को यहाँ अब बुलाना चाहेंगे? नहीं, आज हमारे पास इंस्पिरेशन लेने लायक एक और कहानी है उन लोगों की जो मेरे साथ, आप जैसे आप जानते हैं कि मैं केवड़िया गया था, तो केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हर महीने करीबन 2 लाख और साल भर में करीबन 21 से 22 लाख लोग आते हैं। आज हमारे साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में काम करने वाले सैनिटेशन वर्कर्स हैं और इनके पास कुछ बहुत जरूरी बातें हैं हमसे शेयर करने के लिए उस विषय पर जिसके लिए आज हम आप सब यहां हैं, स्वच्छता और पानी मिलकर लें हम ये जिम्मेदारी। तो चलिए उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, लेट्स कॉल द सैनिटेशन वर्कर्स। आप सबसे आग्रह, आइए आइए, नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार था आपका। आ जाओ, नमस्कार, क्या हाल है? नमस्ते जी, आइए 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 आइए, अंदर आ जाइए। आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ, बस यहाँ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, तो अंदर आ जाओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? चलिए ये बताइए कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये आपको बताऊँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वहाँ आप काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि लाखों लोग आते हैं वहाँ, ठीक है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं तो उनकी ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी होती है कि यार ये बड़ी गंदी आदत है इन लोगों की, यार ये ऐसा क्यों करते हैं जो विजिटर आते हैं? कोई कौन बोलना चाहेगा? आप बोलना चाहोगे, बोलिए, आपने अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशा तरवीन है। थोड़ा माइक जो नजदीक माइक रख लीजिए। मेरा नाम तरवीन निशा बेन है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मैं काम करती हूँ। जी, तो ऐसी कौन सी गंदी आदत है जो आपको लगती है, जो विजिटर्स आते हैं, जो आपको लगता है यार ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को? हाँ सर, कोई बॉटल लेके आता है, कोई खाने की चीज बच्चों की अलाउड है, वो पानी की बॉटल कहीं पे भी फेंक देते हैं। अच्छा, प्लास्टिक की पानी की बॉटल कहीं भी फेंक देते हैं? फेंक देते हैं, और हाँ। खाना भी कहीं पे भी बैठ के खा लेते हैं, फिर डस्टबिन नहीं उपयोग करते, कहीं पे भी फेंक देते हैं, डस्टबिन का उपयोग नहीं करते? नहीं सर। तो आपको लगता है उधर फाइन होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वहाँ कितना फाइन होना चाहिए? सर 500 रुपये तो होने, 500 रुपया अगर आप बाहर फेंक दो, कोई 500 रुपये का फाइन होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता एक बहुत ही जरूरी चीज है और बिल्कुल होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, लोगों को एहसास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि ये आपका खुद का घर है, ये आपका खुद की कंट्री है, तो आपको क्लीन रखना इसको बहुत जरूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए कि गंदगी फैलाने के साथ साथ लोग पानी भी मतलब उसको वेस्ट करते हैं, उसको खराब करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होता है वहाँ? बोलिए बोलिए बोलिए, आप दीजिए, इनको दीजिए, कौन बोलना चाहेगा? बोलो, बोलिए, नाम बताओ। मेरा नाम तरवी गणेश भाई है। हाँ, मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नौकरी करता हूँ। जी बताइए। हमारे यहाँ फूड कोर्ट है, हमारे यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में फूड कोर्ट है जहाँ लोग कुछ लोग खाना खाने जाते हैं, और खाना खाने के बाद वो कुछ लोग बाहर लेके चले जाते हैं, खाना लेके बाहर चले जाते हैं, जहाँ यहीं वहीं कहीं पे भी जो सिटिंग एरिया लगा हुआ होता है वहीं पे बैठ के खाना खाते हैं, और कचरा वहीं पे भी छोड़ के चले जाते हैं, फिर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन में जाते हैं और हाथ गंदी तरीके से, हाथ मुंह गंदी तरीके से धोते हैं,
और फ्लोर पे पूरा पानी गिरा देते हैं और नल खुला छोड़ के चले जाते हैं। इसकी वजह से हमको बहुत तकलीफ बहुत हो रही है सर। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैं जाके आया वहां मंडे को यस सर मंडे को पूरा का पूरा बंद रखता है बिकॉज ये सारे कर्मचारी मिलके उसकी सफाई करते हैं। yes. बराबर यस सर एम आई राइट यस सर। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना काम करते हैं और ये प्रोग्राम के जरिए लोग देखें और वहां क्या पूरे देश में गंदगी ना फैलाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कुछ आप लोग में से कुछ कोई कहना चाहेगा? और मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो और भी चीज वहाँ होनी चाहिए या सब जगह होना चाहिए, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए बोलिए जोर से। इधर जो रहता है ना हाँ जी सैनिटरी पैड जो रहता है वो वॉशरूम में डाल के चले जाते हैं। बच्चों का पैड जो रहता है वो भी अंदर डाल के चले जाते हैं। वो भी डाल के चले जाते हैं सैनिटरी पैड भी। वो जो डाइपर होता है सैनिटरी नैपकिन होता है सैनिटरी पैड होता है वो भी ऐसे ही रखा होगा तो वहाँ डिस्पोजल। हाँ डस्टबिन रखे लेकिन उपयोग नहीं करते सर। उपयोग नहीं करते तो चलिए तो यही कर सकती है ना जो सरकार तो सुविधा दे सकती है उसके बाद तो हमें ही करना है। वो तो बिल्कुल सही है। हम तो सिर्फ बता की भी जरूरत सर जी। इसमें एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। आज तक कोई है जिसने आकर आपको कहा थैंक यू भैया? जब आप जहाँ जाते हैं उनको हेल्प करते हैं साफ रखने में, किसी ने आपको आके थैंक यू कहा है? सर उसमें जो बहुत कुछ लोग आते हैं माइक पकड़िए। हाँ जी बोलिए। उसमें सर जो बहुत कुछ लोग आते हैं उनको सच में दिक्कत परेशानी होती है तो हमारा स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल रहता है तो वो उसको हेल्प करता है तो उसके लिए वो इतना खुश हो जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और क्या करते हैं लोग जो वहाँ पे आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम पैसे देने के बाद हमने इसको खरीद लिया है। वो गलत है ना। हाँ तो वो क्या सबसे अगर जैसे हम लोग उनकी हेल्प के लिए ही है, जितने कर्मचारी उधर काम कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए, तो उनको बोलते हैं कि भाई ऐसे यूज करो तो है वहाँ पे वॉशरूम यूज करने के लिए भी अंदर में भी स्टिकर लगाया कि आप कैसे यूज करें, तो वो अगर जैसे लगाया है तो उनका जो हमारे जो कर्मचारी है उनको भी काम करने में आसानी रहेगी और जो नेक्स्ट आता है उसको भी जो यूज करना है वॉशरूम उनके लिए भी शांति रहेगी। अच्छा मैं आप सबसे जितने लोगों ने आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया उन सबकी ओर से मैं सॉरी कहता हूँ और उन सबकी ओर से मैं आपको थैंक यू कहता हूं। लेकिन एक आग्रह सारे व्यूअर्स से मैं ये करना चाहूंगा दैट दिस इज समथिंग वी हैव टू चेंज। हम चाहे जितनी साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे सर, जब तक ये बिहेवियरल चेंज नहीं होता, हमारी मानसिकता नहीं बदलती कि जो वहां सफाई कर्मचारी है उसकी हमें मदद करनी है। सफाई हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आपको क्या नहीं दे रहे तकलीफ, हम अपने भविष्य को दे रहे हैं। नहीं निश्चय ही ये तो बेसिकली अनलेस पूरा इसमें समाज भागीदारी नहीं करेगा तो हम जो पर्याप्त परिणाम है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आरंभ में ही कहा था इट हैज टू बी अ मास कंपेयर मास अवेयरनेस एंड चेंज इन सोशल बिहेवियर। मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संस्कार बदलने में 3 पीढ़ियां लग जाती है तो हमने तो वो भी जमाना देखा व्हेन एनी यू नो अबंडेंट वॉल कुड बी इजिली कन्वीनियंटली यूज्ड एज अ टॉयलेट। करेक्ट हिंदुस्तान में वो भी नजारा हमने देखा तो उसमें से 4,500 साल पहले की तस्वीरें देखी तो 3 पीढ़ियों में आदतें बदल जाती हैं संस्कार बदल जाते हैं। हमारे संस्कार बिगड़े कितनी पीढ़ियों में? एग्जैक्टली बदलने की बात है फॉर दी बेटर और फॉर दी वर्स वो मैं नहीं कह रहा। बिगड़ने में भी 3 पीढ़ियां बदलने में भी 3 पीढ़ियां तो ये जो हमारे में चेंज आएगा इसमें भी 1 पीढ़ी लग जाती है कभी कभी बिकॉज व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो अप सीइंग हाउ द एल्डर जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही अब ये बातें जो और लोग सुनेंगे बच्चे सुनेंगे उनको लगेगा उनके अंदर एक तरह का सेल्फ एस्टीम आएगा कि साहब ऐसी बात कही है तो मेरे बारे में ऐसी बात ना कही जाए समाज में। उस तरह का जब उसमें एक स्वाभिमान जागेगा तो उसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा। मेरे हिसाब से जब हम किसी पुलिस वाले को यूनिफॉर्म में देखते हैं आर्मी वाले को देखते हैं तो हमारा मन करता है सल्यूट करने का। इनकी भी वही है बिल्कुल इनको भी देख के हमको सल्यूट करना चाहिए। जिस हिसाब से ये लोग हमारे सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं जिस हिसाब से इतनी क्लीनलीनेस। अच्छा मुझे बताइए मैं वहां देखा था एक बहुत बड़ा चार्ट लगा हुआ था कि टॉयलेट के अंदर चार्ट लगा हुआ था कि ये चीजें ऐसी नहीं करनी चाहिए ये चीजें करनी चाहिए वो आप बता सकते हो कि क्या क्या है वो चीजें? यस सर उसमें सर पहले लगाया था कि आप जब वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम का यूज कैसे करना है तो उसमें लगाया है कि पहले सीट कवर आप जब जाते हैं तो पहले नीचे कर लीजिए। पहले क्या करें? सीट कवर को नीचे कर लीजिए। पहले सीट कवर को नीचे करें फिर उसके बाद में वहाँ पे टिश्यू पेपर लगा हुआ है अगर आपको गंदा लग रहा है तो साफ कर लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले तो ये गलत बात है कि जिसने पहले इस्तेमाल किया उसने साफ करना चाहिए था वो करके नहीं गया।
ठीक है, फिर उसके बाद में आप जब यूज कर लेते हो तो आपका जितना भी नीचे में, एक तो पहले जब यूज करते हो उस टाइम पे पानी कहीं नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा फैलाना है, आपको जितना सफिशियंट लगता है उतना यूज कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर पानी का वेस्ट मत कीजिए जी। उसका भी वहां पे स्टीकर साइनेज में लगाया हुआ है हमने। उसके बाद में जब आपका यूज हो जाता है उसके बाद में फिर से वो सीट कवर को आप ऊपर कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए, उसके बाद में नीचे कुछ कचरा है तो आप डाल दीजिए, या तो फिर हमारा जो वर्कर है उसको बोल दीजिए कि थोड़ा सा मैंने क्लीन किया है, थोड़ा बाकी रह गया आप कर दीजिए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो उसको ही पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सर, देखो कोई एजेड पर्सन आता है वो नहीं कर सकता, उसके लिए हम है रेडी वहां पे जी, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी कोई चीज लिखी हुई है जो आपको? उसके बाद में सर हमने जो वहां पे यूरिनल सेंसर है वो सारे ऑटोमेटिक है कि आदमी आएगा तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग ये सोचते हैं कि कुछ इसमें है वो हमें करना चाहिए, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है। परेशानी होती है। ये आपको क्या लगता है, ये माँ बाप को ही सिखाना चाहिए था या स्कूल पाठशाला से भी सीखना चाहिए था? माँ बाप भी सिखा सकते हैं और स्कूल पाठशाला से सबका, ये सबका एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए। यस सर, मिलकर, वही क्या लिखा हुआ, मिलकर लेनी है ये जिम्मेदारी, मिलकर ले ये जिम्मेदारी है ना, तो ये सबको मिलके करना है ये। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर सैनिटेशन वर्कर्स, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिग सैल्यूट। चलिए आइए। ओके, थैंक यू। आई नो सर यू आर ऑन अ टाइट शेड्यूल बट आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू टू जस्ट गिव अस सम मोर टाइम एंड आई एम गोइंग टू क्विकली कॉल रवि एंड सौरभ टू कम बैक अप ऑन स्टेज एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन with MOSPMO Dr. Jitendra Singh present here. Ravi and Saurabh represent Reckitt. And welcome back. They've been trying to do a lot of work and they've been with us through this campaign. I want to ask you, sir, how is it that they can better help execute this mission of Swachhata and Pani? No, I think as Akshayji was very rightly putting it, it has to be, you know, it is a multifactorial outcome, so it has to be at multiple levels, at the social level. और जैसे आपने हमारे भी कर्मचारी बता रहे थे कि जब वो चले जाते हैं तो हम साफ करते हैं, तो अगर वही दृश्य यानी किसी का गंद मैं साफ कर रहा हूं ये दृश्य सामने नजर आए, which I think media can do that. Yes. Look here now, here's a gentleman called Anand who's cleaning away the leftover of somebody else. That will generate a huge lot of message because उससे हमारा कई बार ऐसा है, I will not say कि it's always out of disregard or disrespect or not you know knowing much about the sanitation, it's also out of ignorance or possibly conditioning. Aisi ho gayi hamari janm se, ha hamara us tarah ki hamari training nahi hui ya hamara exposure nahi hua, lekin agar kisi ko ehsaas dilaya jaye to I think they get to they have that sense of self esteem coming up ke sahab aisa kyun, hamari sarkar saath mein hai, hum sab मिलकर करेंगे सर, ये जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। आप ठीक कह रहे हैं, ये इस होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ नेशन, ये एक उस तरह की प्रक्रिया, तभी ये सफल भी हो सकती है। सौरभ, एनीथिंग दैट यू वांट द गवर्नमेंट टू डू? सर आपने जो बोला एकदम 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 बड़ा की कड़क सत्य है, इस तरीके से बोलूंगा इसको। आई मीन बिहेवियर चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपने बोला काफी टाइम पीढ़ियां लग जाती है समझने के लिए, लेकिन अगर डायरेक्शन सही हो, एक एक करके अगर आप सही बात बोलते रहे, एंड आई थिंक स्पेशली चिल्ड्रन से बात करें आज के दिन, you can shape the future, and aaj ke din children are also the influencers of parents, they will go hey, back talk to the parents about you it. Asked me ke you want to take me back to my medical days, of course once a medico is always medico, like once an actor always actor, aisa nahi hai ke, lekin kya tha ke maine bahut sare diabetes awareness camp lagaye throughout the country, thousands of them, ek stage pe mujhe laga ke main bachchon ke liye camp lagana shuru kiya, तो वो मुझे पूछते थे कि साहब ये तो बच्चों में इस पर्टेनिंग मोर टू द मिडिल एज, आप यहां लगा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, इसके मैंने आउटकम्स किसी और तरह के देखे, बच्चों को हम समझाते थे कि कोल्ड ड्रिंक पीनी कि नहीं पीनी, एंड देन दे वुड गो और अपने माँ बाप को टोकते थे, साहब हमारे स्कूल में आज एक अंकल आए थे वो कह रहे थे कि ये नहीं पी रहा, आप क्यों पी रहे हैं पापा, ओके सो पापा को शर्म आ जाती थी, वही समझा सकते हैं पापा, मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं कि हर लेवल पर। बच्चों के साथ सोनाली खान भी काम कर रही हैं, हाँ। और सेसमी वर्कशॉप भी बहुत काम कर रहा है, हम उनको बुलाते हैं। सोनाली खान मैनेजिंग डायरेक्टर सेसमी वर्कशॉप, उनका स्वागत करेंगे, स्वागत आपका। आप बताइए बच्चों के साथ काम करना है, ये गली गली सिम सिम, व्हाट इज इट? काम काम है सो शॉप, गली गली सिम सिम, सेसमी वर्कशॉप, हम लोग 3 से 8 साल के बच्चों के साथ काम करते हैं,
उनके एजुकेशन पे, उनके स्वास्थ्य पे, न्यूट्रिशन पे और उनके मेंटल वेलबींग पे. तो हम लोग मपेट्स और बच्चों को जो पसंद है खेल खेल में सिखाते हैं. हम लोग के पास ऑडियो विजुअल शो है, हम लोग दूरदर्शन पे हैं और हम लोग यूट्यूब पे भी हैं और हम क्लासरूम में भी हैं और कम्युनिटी में भी. पेरेंट्स के साथ हम काम करते हैं तो हर स्तर पे काम करते हैं. अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि मल्टीफैक्टोरल जो यहाँ के कर्मचारी थे वो कह रहे थे कि पेरेंट्स के साथ करिए, स्कूल के साथ करिए. हम सबके साथ काम करते हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर एज वेल एज रैकेट एंड नाउ विद अ सेलिब्रिटी. एवरीबॉडी इज कमिटेड इनटू दिस और हमारी एक ही छोटी सी बात है कि मिलके लें ये जिम्मेदारी. हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक. डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास समय अल्प है, इन्हें वापस मुंबई छोड़कर एक और अपने कमिटमेंट पे जाना है. थैंक यू वेरी मच सर फॉर मेकिंग द टाइम एंड फॉर टेकिंग द एफर्ट एंड कमिंग. थैंक यू सो मच. वी गोना टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस.